हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है धर्म विपणन लर्न एजुकेशन पर। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे DSSB की जो वैकेंसी है हालिया PRT की, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में। 11 नवंबर से पेपर आपका चालू है और 11 नवंबर कल के दिन तीन पालियों में ये एग्जाम हुआ है। सुबह 8:30 बजे से दिल्ली में अलग अलग सेंटरों पर इसकी परीक्षाएं कराई गई हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर फर्स्ट जो आपका आता है उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और आपका जनरल अवेलेंस यानी GK। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक का आते हैं पेपर फर्स्ट में। और पेपर सेकंड है आपका साइकोलॉजी बेस आता है। साइकोलॉजी में आपके 5 प्रकार के जो आपकी साइकोलॉजी है उसमें भी 5 या 4 प्रकार बटे हुए हैं, जैसे कि शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, पैडागोजी आती है सब्जेक्ट की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो हमारे मित्र कल एग्जाम देकर आए हैं, उनके पर्सनल रिव्यू है एग्जाम को लेकर और ड्रेस कोड को लेकर। खासकर ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है पूरी तरीके से, कट हाफ स्लीव में जाना है जैसे कि मैंने पहना हुआ है, और कोई भी वॉलेट या वॉच, पानी की बोतल, कोई भी रिंग या कड़ा आपको पहनकर नहीं जाना है परीक्षा के अंदर। और अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को नाक या कान, कोई भी ईयर रिंग पहन के नहीं जानी है या हाथ में कोई रिंग पहन के नहीं जानी है या कोई भी इस प्रकार की सामग्री परीक्षा में नहीं ले जानी है जो वर्जित ना हो। ठीक है, तो आज हमारे मित्र आपको बताएंगे अपने पर्सनल रिव्यू। गौरव पाल जी, आप आइए एक बार और एक बार बताइए कि जो एग्जाम है वह कैसा आ रहा है और उसमें किन किन टॉपिकों पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गौरव पाल जी आइए, इनका एग्जाम था सबका 11 नवंबर 2019 को PRT का एग्जाम था। आइए सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो सभी साथियों को, क्या कर रहे हैं, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कल ही का एग्जाम हो चुका है 11 तारीख को, 12 तारीख का ब्रेक रखा है, फिर 13, 14, 15 को लगातार एग्जाम है और एक मतलब एक डे में 3 पालियां है। और देखो जैसे GS सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका GS रीजनिंग, उसके बाद GS, उसके बाद मैथ, फिर हिंदी और आफ्टर दिस इंग्लिश। GS में क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, उनकी कैपिटल्स, राजधानी के बारे में पूछा जा, खेल पुरस्कार, ट्रॉफियां, कौन सी ट्रॉफियां किससे संबंधित हैं, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली